यस नमस्कार दोस्तों, एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अ न्यू बिगनिंग विद एसएसके भारत स्टार्टअप। लेट्स कम टुगेदर टू मेक अवर भारत विश्व गुरु अगेन। मित्रों, एसएसके भारत ग्रुप द्वारा एक नई शुरुआत की गई है और यह शुरुआत है एसएसके भारत स्टार्टअप्स का निर्माण करना, और इसमें इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आज का ये वेबिनार आयोजित किया गया है। और सबसे पहले मैं आप सबका, जिन्होंने आज इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, इस विषय को जानने और समझने के लिए आप सबका मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता फर्स्ट हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फर्स्ट और एग्जाम नेहल जी, आपका आवाज बंद कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या पावर ऑफ एंशियंट इंडिया, ये विषय किसी भारतीयों को क्या, आज तो विदेशियों को भी बताने की जरूरत नहीं है। भारत के योग को WHO ने, यूनो ने, यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दी और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। हमारे आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो हमारे आयुर्वेद ने कोरोना काल में जो चमत्कार किया और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं बचाने का कारण बना हमारा काढ़ा। ये काढ़ा, ये जड़ी बूटी, ये हमारा प्राचीन विज्ञान है। अगर हम वास्तुकला, शिल्प कला की बात करें तो आज से हजारों साल पहले भारत में ऐसे ऐसे निर्माण हुए कि जो आज भी अजूबा है। हर जगह पे हम बात करें तो हम अव्वल थे। आज से 5,000 7,000 साल पहले रामायण काल में राम सेतु का उल्लेख मिलता है। ये एक समुद्र पुल बनाया गया था और इस तरह से अनेक खोजे भारत ने की थी, और भारत प्राचीन समय में बहुत ही आगे था, अव्वल था, और इसका ज्ञान हमारे वैज्ञानिक, जिसे हम ऋषि कहते हैं, उन वैज्ञानिकों के पास था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन इन एंशंट इंडिया, अगर हम बात करें तो विमान की खोज भी भारत में हुई थी, हालांकि वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉग्नाइज नहीं हुई। हमारे सुश्रुत संहिता में ऑपरेशंस के बारे में, उससे रिलेटेड सारे इक्विपमेंट के बारे में डिटेल में कहा गया। हमने शून्य की खोज की, हजारों साल पहले पंचांग बनाए, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये कहां से पता चला उनको, उनके पास कौन सा ऐसा विज्ञान था, उनके पास कौन से ऐसे इक्विपमेंट थे जिससे उनको पता चला। तो मित्रों, मेनी प्रिंसिपल एंड टेक्निकल डिस्कवर्ड बाय एंशियंट इंडियंस हैव क्रिएटेड एंड स्ट्रेंथेन द फंडामेंटल्स एंड साइंस ऑफ टूडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज के जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो आधार बनाया, ये भारतीयों ने बनाया। नेक्स्ट, ईरा ऑफ ब्रिटिश राज। मित्रों, भारत अंग्रेजों के आने के पहले हजारों सालों तक विश्व गुरु था। वी आर द लीडर्स, और हम ही दुनिया पे राज करते थे बिजनेस के फील्ड में। और अंग्रेज भारत में आए, उसके पहले और भी अलग अलग राजा अलग अलग प्रदेशों से आए भारत में, और अंग्रेज आने के बाद उन्होंने हमारे यहाँ आए तो थे व्यापार करने, बट उन्होंने क्या किया, क्या व्यापार किया, बताइए जवाब। यस, हम पे राज किया, हमको गुलाम बनाया, और हमारे सारे, जो हमारे देश की जो सारी अच्छी चीजें थी उसको तोड़ दिया। उसके अलावा हमारी खेती को तोड़ दिया, हमारे देश से हजारों लाखों करोड़ का सोना लेके गए, और कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। ये सारा हुआ ब्रिटिश काल में। इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत, भारत को आजादी दिलाने के लिए असंख्य नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें से कुछ को तो हम जानते हैं मगर कुछ के तो हमें नाम भी नहीं पता। 1857 का जो रिबेल हुआ था, उसमें नाना साहेब, तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, जफर साहब, ऐसे अनेक लोगों ने हिस्सा लिया, और उन्होंने एक चिंगारी की शुरुआत की कि हमें फिर से भारत देश को आजाद बनाना है, और वहां से हमारी आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई। वो लड़ाई आगे बढ़ते बढ़ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, ऐसे हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी के किया। मित्रों,
वीर सावरकर जिन्होंने आजादी के लिए इतना संघर्ष किया, उन्होंने अंडमान निकोबार में जेल में कितने साल काटे, ऐसे अनेक लोगों के प्राण बलिदान संघर्ष इसका परिणाम था कि हमें आजादी मिली। इंडिपेंडेंट इंडिया। इन 7 डेकेड्स इंडिया हैज अपियर्ड बिफोर द वर्ल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी एंड अ ग्रोइंग इकोनॉमी, बट स्टिल देर आर मेनी इश्यू ऑन विच इट इज एसेंशियल टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस टूडे। हमने आजादी के बाद 7 दशक पूरे किए, हमने 75 साल हमारे आजादी के पूरे किए, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में, लोकतंत्र के रूप में हमने अपने आप को स्थापित किया। अभी इस वक्त भारत में वही लोकतंत्र का पर्व चल रहा है जिसे हम लोक लोकशाही कहते हैं, चुनाव कहते हैं। ये चुनाव केंद्र सरकार के लिए होने जा रहे हैं, और आप सबको मैं एक विनती करूंगा, चाहे किसी को भी वोट दो मगर वोट आपको जरूर देना चाहिए। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। और इस आजादी में हम लोग आगे बढ़ते गए, प्रगति करते गए, टेक्नोलॉजी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन में बढ़ रहे हैं, हर फील्ड में बढ़ रहे हैं, मगर फिर भी आज भी अनेक ऐसे विषय है जिसमें हमें काम करने की बहुत तेजी से जरूरत है। टेक अ स्टेप नाउ। इंडिया जो एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, दुनिया यहाँ आती थी सोने की चिड़िया को लूटने, यानी सोना लूटने, और हम विश्व गुरु पद खो चुके, उसे हमें फिर से पाना है। तो क्या आप लोग हमारे साथ SSK भारत ग्रुप के साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहोगे? क्या भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहोगे? तो करते एक नई शुरुआत। वेलकम टू SSK भारत ग्रुप। SSK भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और मुझे बड़ी खुशी के साथ आज कहते हुए ये खुशी हो रही है कि आज ही के दिन अगर आप ROC की वेबसाइट पे जाओगे तो SSK भारत 1 रुपए के 15 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी आज बन चुकी है। ये एक खुशी की बात है जो मैं आप लोगों को आज जरूर बताना चाहता हूं। एवरीवन, हर एक इंसान जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है, अपनी सारी लग्जरी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, और इसीलिए अधिकतर लोग बिजनेस की राह चुनते हैं। क्या चुनते हैं? बिजनेस। बहुत लोग जॉब भी करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, मगर अधिकतर लोगों का यह मानना है कि बिजनेस में ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, ज्यादा सम्मान पाया जा सकता है, और बिजनेस के माध्यम से हम सब प्रगति की राह पे आगे बढ़ सकते हैं और खुश हो सकते हैं, और इसलिए लोग बिजनेस की राह चुनते हैं। एवरी बिजनेसमैन डू नॉट बिकम सक्सेसफुल। मित्रों, बिजनेसमैन जो बनते हैं, जो एक नई शुरुआत करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं, वो सारे सक्सेसफुल नहीं होते। हजारों में स्टार्टअप में से मुश्किल से 2 या 3 स्टार्टअप ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, हो पाते हैं और बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन पाते हैं, बाकी सारे कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। और इसका कारण क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, फाइनेंस एंड अदर रिक्वायरमेंट। मैं 2 दिन पहले दिल्ली में स्टार्टअप एक्सपो में गया था, एक से एक युवाओं की चीजें मैंने देखी, प्रोडक्ट देखे, सब कुछ देखा, और उनकी एनर्जी जबरदस्त होती है, उनका कमिटमेंट फैंटास्टिक होता है, डेडिकेटेड होते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, तन तोड़ मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली या तो उनके पास पैसे नहीं होते या फिर उनके पास अनुभव नहीं होता है, और इस कारण वो फेल हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि भारत के ऐसे सारे स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म देने का निर्णय SSK भारत स्टार्टअप्स के द्वारा किया जाने वाला है। इनको इनके प्रोडक्ट की मार्केट, इनका सेल, इनका ट्रेनिंग, इनको फाइनेंस, ये सब में भी हम मदद करने जाने जाने वाले हैं। इसकी शुरुआत बहुत जल्दी करने वाले, मगर बात यह है कि सारे लोगों को ये सक्सेस नहीं मिलता। तो इन लोगों के लिए अब एक सुनहरा मौका आया है, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वेलकम टू SSK भारत ग्रुप। SSK भारत ग्रुप इज प्रोग्रेसिंग कॉन्फिडेंटली विद अ मिशन टू मेक इंडिया विश्व गुरु थ्रू इट्स न्यू प्लेटफॉर्म SSK भारत स्टार्टअप के साथ।
एक नई शुरुआत एसएसके भारत स्टार्टअप के साथ। आइए मिलकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाए और इस मिशन पे अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अबाउट एसएसके भारत ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया एसएसके भारत की कंपनी की स्थापना 2020 में हुई। हम लोगों के पास जो टीम है, मैं खुद, मेरे हमारे ग्रुप के चेयरपर्सन, हमारे बाकी के लोग, हमारे पास बायोफिल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और ऐसे अनेक इंडस्ट्री में काम करने का 20 साल से अधिक का अनुभव है। और हम ऐसे स्टार्टअप्स का निर्माण करने जा रहे हैं जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो ज्वाइन इंडिया जर्नी टू बिकम द वर्ल्ड लीडर। एसएसके भारत ग्रुप विल प्ले अ लीड रोल इन द फॉलोइंग एरियाज: केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग, एफएमसीजी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, बायोफ्यूल इंडस्ट्री। लेट्स सी अ वीडियो ऑफ एसएसके भारत ग्रुप, जिससे आपको पता चले कि एसएसके भारत ग्रुप का प्लानिंग क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। प्लीज प्ले द वीडियो। आई थिंक वॉइस नहीं आ रहा है। It takes the visionary touch of a master to shape the future. It takes a true pioneer to look forward into the future and leave a legacy for generations to come. With foresight and the Midas touch, one team has changed the face of the biofuel industry. Welcome to SSK Bharat Group, envisioning a quantum leap in modern living. It all began in 2017 when advocate Shyam Shankar Upadhyay, a client and a friend, invited Mr. Kartik Rawal to a biofuel business seminar. At that time, Mr. Kartik had been involved in the real estate industry for almost 20 years. Mr. Kartik had profound deep understanding of the necessity, benefit and future of this sector after listening to the presentation. And thus, two like-minded visionaries came together with one purpose in mind: to revolutionize the industry with streamlined procedures and systems and spreading it on a pan-India level. They originally began working for Meera Clean Fuels Limited, a firm that aimed to construct biofuel plants. Mr. Shyam Shankar Upadhyay and Mr. Kartik Rawal began promoting this company throughout India in a variety of venues. It was difficult, though. Information on a new idea and market was difficult to share. Few knew about this sector. However, they are still working hard and people are beginning to respond favorably to them. Nonetheless, the global coronavirus pandemic struck India in 2020. They now felt that creating their own platform was necessary to provide better service and engage with people on a ground level. The result was the establishment of SSK Bharat Management and Media Private Limited in July 2020. As a consultant, SSK Bharat assisted Meera Clean Fuels Limited in signing numerous memorandums of understanding, MOUs, with state governments, particularly those in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Himachal Pradesh, thereby propelling the company to unprecedented heights in its network expansion endeavors throughout India. Along the way, the SSK Bharat Group has hosted conferences and seminars around India and has won numerous honors and accolades from different organizations. An inventive mind shapes history and the future. SSK Bharat Management India Private Limited currently operates in 20 states of India, 250 districts, 700 talukas, and a network of more than 25 lakh farmers through more than 250 farmer producer organizations. SSK Bharat Group has already exceeded a turnover of more than 150 crore rupees in the last 4 years since its founding
with net revenue of more than 40 crore rupees. Commitment to excellence is always the motto behind everything we do. Along this exciting path, we expanded into new territories and established SSK Bharat Nirman, a subsidiary that handles all infrastructure and project-related operations for the SSK Bharat Group. SSK Bharat Food and Beverages Private Limited, also known as SSK Bharat FAB, was subsequently established. Here we are using a completely novel and distinctive strategy to do business in both consumer durables and cosmetics, which will make history in the years to come. Accompanying this, we have also established SSK Bharat Business Building Initiative Private Limited. SSK Bharat BBI is a platform for business networking and growth that assists entrepreneurs in achieving their business objectives and identifying their ideal clients. We have also ventured in the IT sector. Virtue Think is now digital and IT division for SSK Bharat Group of Company, especially focusing on social media and digital marketing. In addition, we have established companies such as Shyam Shankar Renewable Fuel and Nature Care Private Limited, Danu Mahalakshmi Clean Fuels and Nature Care Private Limited, Kashi Vishwanath Clean Fuels and Nature Care Private Limited, and many more. Especially working in biofuel industry, producing biofuel, compressed biogas and ethanol, these businesses have now begun working on their own projects. We have gone from strength to strength because of our sheer determination to never lose sight of its driving force. Our eyes are always on enriching humanity, a core value that drives everything SSK Bharat does. Demonstrating our commitment to the community, we have established a non-government organization, Sujlam Suflam Foundation. The goal of this NGO is to provide safe drinking water to people living in remote areas of India, as well as to do plantation of trees and forests. We have successfully completed a project in a village of Mukhara, Palghar district, where we have provided safe drinking water to village people. Presently, SSK Bharat Group comprises over 18 companies and holds stakes in over 15 other organizations. With a core team of 50 plus in-office employees and more than 150 entrepreneur leaders spread across India, SSK Bharat Group is now moving towards becoming a massive corporation, and we have plans to list on the stock market shortly. Today, as SSK Bharat, we are all set to unveil the brighter future with our perfect blend of foresight, strategy, initiative, and entrepreneurship. We are well on our way to achieving our dreams. Let your dreams take shape with us. We are building the foundations for future India, lighting a million lives, empowering the society, and most importantly, building Atmanirbhar and Vishwaguru Bharat. Welcome to SSK Bharat Group. Thank you very much, friends. This is all about SSK Bharat Group. इसको देख के आपको आइडिया आई गई होगी कि SSK Bharat Group कितना बड़ा है. Our vision to bring back ancient glory of Bharat again. जो हमारी ग्लोरी थी, जो हमारी दुनिया में जो वाहवाही शान थी, we were like the king, उसको हमें वापस लाना, ये हमारा विजन है. Our mission, taking India towards a strong and green $5 trillion economy. $5 trillion economy की तरफ भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसमें हमारा अपना योगदान देना और आत्मनिर्भर भारत बनाना, ये SSK Bharat Group का मिशन है. ये हमारे कुछ कंपनियां हैं जो आपने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में दी. इसके अलावा भी हमारी ग्रुप कंपनियां हैं, एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द ग्रोथ एक्सपेंशन एंड बेटर फ्यूचर ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स एंड आवर एसोसिएट्स. ये है वो व्यक्ति जिनके बगैर
एसएसके भारत ग्रुप की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अवर टीम द बेस्ट टैलेंट लीडिंग अवर टीम, एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर, चेयरपर्सन ऑफ एसएसके भारत ग्रुप, ही इज अ लॉयर फ्रॉम मुंबई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि रिसेंटली ही इज अपॉइंटेड ए ट्रेड कमिश्नर ऑफ एंटायर यूरेशिया रीजन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज मी, आई एम कार्तिक रावल, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एसएसके भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज। माय एजुकेशन इज एमकॉम, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स, एमबीए प्रोफेशनल एंड डीआईसी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द मोस्ट रेप्यूटेड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज सीडैक। ये मेरा बैकग्राउंड है। वी हैव अ टीम, अवर सीईओ ऑफ एसएसके भारत भाग्यश्री कांची मैम, सीईओ ऑफ एसएसके भारत निर्माण एंड अवर एंटायर प्रोजेक्ट हेड नेहा मैम, उसके अलावा हमारे एसएसके भारत फैब को जो लीड करते हैं मिस्टर प्रतीक पटेल, मिस्टर गौरांग इनामदार सीईओ ऑफ अवर एसएसके भारत बीबीआई, और स्नेहल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसएसके भारत में जो वर्चुअल थिंक है, और एक आईटी कंपनी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट कंपनी विल ऑल्सो बी लीड बाय स्नेहल मैम। दिस इज अवर कोर टीम। अबाउट एसएसके भारत स्टार्टअप, इन द प्रेजेंट 21st सेंचुरी इंडिया इज ट्राइंग टू रिगेन इट्स लॉस्ट विश्व गुरु इमेज, और इसी में साथ देना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, यही हमारा विजन मिशन और लक्ष्य है। अबाउट एसएसके भारत स्टार्टअप, द बिगेस्ट चैलेंज इन द पाथ इज दैट इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर इंडिजिनियस प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर एनर्जी फ्यूल एंड ऑल अदर सेक्टर दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडिया डेवलपमेंट, सो दैट इंडिया डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री विल बी लिमिटेड रिड्यूस। मित्रों, कोई भी देश को अगर विश्व गुरु बनना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला ये जरूरी है कि वो अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने। जब वो अपनी जरूरतें खुद बनाएगा तो वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, और जब किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे तब जाके वो दुनिया को लीड करेंगे। तो ये जर्नी की शुरुआत हमें करनी है। भारत की सारी जरूरतों को भारतीय लोग और भारतीय पद्धति से पूरा करने की दिशा में हमको आगे जाना है। एसएसके भारत ग्रुप इज गिविंग यू अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम इट्स पार्टनर। नाउ ऑल द फार्मर्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ कंट्री कैन ज्वाइन अस इन दिस जर्नी ऑफ मेकिंग इंडिया विश्व गुरु अगेन। अब आप सब हमसे जुड़ के पार्टनर बन के इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड योर जर्नी विथ एसएसके भारत स्टार्टअप। आप लोगों के मन में अब ये सब जानने समझने के बाद जरूर ये उत्सुकता हो गई होगी, अरे हम कैसे आपका हिस्सा बन सकते हैं, हम कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, सर बताइए। यस, आई एम गोइंग टू शेयर दैट हाउ टू ज्वाइन एसएसके भारत स्टार्टअप्स। स्टेप नंबर वन, अप्लाई टू ज्वाइन एसएसके भारत स्टार्टअप विद अ प्रॉपरली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। हमारी तरफ से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको पहले भरना है और उसके बाद वो फॉर्म हमको मेल करना है। सेकेंड स्टेप, हमारे द्वारा आपको एक सर्वे फॉर्म दिया जाएगा जो आपके रीजन या तालुका उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको पूर्ण रूप से फिल करके हमको फिर से मेल करना है। उसके बाद थ्री, अगर हमें लगता है कि आपके यहाँ हमारे बिजनेसेस हो सकते हैं और आप इलिजिबल हो जिसके साथ हम मिलके ये बिजनेस कर सकते हैं, तो हम आपको अप्रूवल देंगे। उसके बाद आपको एसएसके भारत को ₹1 लाख एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रांसफर करना है। स्टेप फोर, एसएसके भारत ग्रुप आपके लिए एक स्टार्टअप कंपनी का निर्माण करेंगे जिसमें आप होंगे, एसएसके भारत की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और ये कंपनी का फॉर्मेशन उसके रिलेटेड सारे खर्चे ये एसएसके भारत करेगा। इसके लिए आवश्यक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स और बाकी की चीजों के लिए सेंट्रलाइज व्यवस्था ये भी एसएसके भारत के द्वारा की जाएगी। स्टेप सिक्स, जब ये कंपनी फॉर्म हो जाती है तब उस
लोकल एंटरप्रेनर को, उस कंपनी को 15 लाख रुपए एज अ लोन देने हैं। क्या देने हैं? लोन देने हैं। आउट ऑफ दिस 15 लाख, 10 लाख रुपए उस कंपनी से एसएसके भारत को एज अ कंसल्टिंग चार्ज जाएंगे इंक्लूडिंग जीएसटी, और बाकी बचे 5 लाख से 3 लाख रुपए जो इन्वेस्ट होंगे प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोडक्ट लिए जाएंगे एसएसके भारत ग्रुप के द्वारा दिए जाने वाले और बिजनेस शुरू किया जाएगा, और 2 लाख रुपए प्रोविजन है आपकी ऑफिस कम शॉप और स्टाफ का 6 से 12 महीने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो 1 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, जैसे ही आप 15 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, वो 1 लाख रुपए आपको वापिस दे दिए जाएंगे, दैट विल बी रिटर्न। स्टेप नंबर 7, जैसे ही आप आपका बिजनेस शुरू करोगे, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, और आप पैसा मतलब कंपनी में प्रॉफिट शुरू होगा, वैसे ही आप प्रायोरिटी पे आपका इन्वेस्टेड 15 लाख रुपया जो आपने लोन के रूप में उस कंपनी को दिया है वो रिकवर करते जाओगे, और आने वाले 3, 6, 12 महीने के अंदर हिज लोन मतलब आपकी जो लोन है विल बी रिकवर्ड एंड योर इन्वेस्टमेंट विल बिकम जीरो। आपका निवेश उस कंपनी में जीरो हो जाएगा, रह जाएगी आपकी मेहनत। और अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैं थम चाहूंगा आप लोगों से कि बताइए ये सही है कि नहीं, कि आप इन्वेस्ट भी करो, आप मेहनत करो और आप आपके पैसे रिकवर करो और प्रॉफिट कमाओ। तो ये सबसे बड़ा एक जबरदस्त हमने सिस्टम बनाया है, एक बार आपके पैसे इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, आपका रिस्क बिकम जीरो, योर लाइबिलिटीज बिकम जीरो, और यू स्टार्ट ग्रोइंग। यस, ये है जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। और ये जो थंब इंप्रेशन और बाकी हार्ट देख रहा हूं मैं, उससे मुझे पता चल रहा है कि यू पीपल आर रियली हैप्पी विद दिस एंड अप्रिशिएटिंग दिस। स्टेप नंबर 8, इससे बिजनेस से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग, सारी मार्केटिंग, सारे सर्वे रिपोर्ट्स, ये सारा जो कुछ है ये आपको सपोर्ट एसएसके भारत ग्रुप की तरफ से मिलेगा। आप अकेले नहीं हो, कंधे से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। मित्रों, हम आपके साथ चलेंगे और कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और साथ में मिलके इस उद्योग का निर्माण करेंगे। स्टेप नंबर 9, विद इन 6 to 8 months एसएसके भारत मतलब 6 महीने से 8 महीने या 12 महीने में एसएसके भारत इस स्टार्टअप कंपनी का ऑथोराइज कैर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर, 1 रुपए के 10 करोड़ शेयर पे लेके जाएगा, और इसके लिए सारा खर्चा जो लगेगा वो एसएसके भारत ग्रुप करेगा, आपको एक भी रुपया इसमें खर्चा करना नहीं है। स्टेप नंबर 10, आपकी हिस्सेदारी स्टार्टअप कंपनी में 20% की रहेगी, 80% एसएसके भारत के पास रहेगा, जिसमें से 20% से लेके 30% एसएसके भारत और हमारे कंसल्टेंट के लिए रहेगा, और बचे हुए 50 से 60% फंड रेजिंग जो मार्केट से हम फंड लाएंगे उसका प्रोविजन रहेगा। आप डायरेक्टर बन सकते हो, आप सीईओ बन सकते हो, बट डायरेक्टर बनना चाहिए, और एक डायरेक्टर एसएसके भारत की तरफ से रहेंगे और दोनों मिलके इस कंपनी को हम आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, डिविडेंड। मित्रों, जब इस कंपनी को हम 10 करोड़ के ऑथराइज शेयर कैपिटल पे ले जाएंगे, कंपनी बिजनेस करेगी और उसका डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होगा तो 20% शेयर मतलब 2 करोड़ शेयर का डिविडेंड हर साल आपको मिलते रहेगा। ये हुआ फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, 2 करोड़ शेयर अगर 10 रुपए की वैल्यू हुई आने वाले 3 से 5 साल में तो 20 करोड़, और 100 रुपए तक वैल्यू जाता है जब शेयर का तो 200 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन आपका होता है, आपके पास इतने पैसे के आप मालिक बनते हो। और नंबर 2, 3 से 5 साल में इन कंपनियों को एसएमई आईपीओ पे लिस्ट करने की सारी तैयारी हमने आज करके रखी है, तो ये भी हम करने जा रहे हैं। मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ी शुरुआत है, नए नए स्टार्टअप आईपीओ में आएंगे, एसएमई आईपीओ में आएंगे और युवा उद्योजक बनेंगे। नेक्स्ट प्लीज, स्टेप नंबर 12, इसके अलावा क्योंकि ये पैसे डिविडेंड के रूप में मिलेंगे, साल भर के बाद मिलेंगे, तो हर महीने का कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारे एंटरप्रेनर को मिलना चाहिए, तो अगर उस कंपनी में सफिशियंट प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है तो पर मंथ 1 लाख रुपए उसको हाउस कंपनी के हमारे डायरेक्टर जो कि हमारे स्टार्टअप कंपनी से है, जिन्होंने ये एंटरप्रेनर बने हैं,
उनको हर महीने दिए जाएंगे, और इसके अलावा अप टू 2% ऑफ उस कंपनी का प्रॉफिट एज अ कंसल्टिंग चार्ज, इफ रिक्वायर्ड वी विल फॉर्म अनदर कंपनी, और उसको दिया जाएगा। ये पैसे आपको हर महीने आते रहेंगे सब्जेक्ट टू प्रॉफिट, और ये व्यवस्था भी हमने की है। उसके अलावा आपका 20% स्टेक है, उसके जो बेनिफिट मिलेंगे वो अलग से। एसएसके भारत स्टार्टअप रोडमैप, एसएसके भारत से आप कैसे जुड़ सकते हो, क्या क्या करना है, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने हैं, ये तो आपने समझ लिया। अब समझते हैं एसएसके भारत स्टार्टअप का रोडमैप। एसएसके भारत स्टार्टअप विल स्टार्ट विथ बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, कैटल फीड एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा समझते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजर की जरूरत, कल मैं एक डेटा पढ़ रहा था, 103 लाख टन, इतना फर्टिलाइजर भारत में हर साल लगता है, और इसका 70% जो इंपोर्ट करना पड़ता है, विदेशों से लाना पड़ता है, हमारे मेहनत के पैसे, हमारे किसानों की खून पसीने के पैसे ये विदेशों में चले जाते हैं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना। तो इसका एक सॉल्यूशन हम लेके आए हैं, और ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देखिए, अब गो ग्रो, गो लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, स्टार्टअप है, और ये दर्शनी अदानी जी की कंपनी है, जिसके साथ जिनका प्रोडक्ट है गो ग्रो और गोटेलाइजर गोल्ड, ये एसएसके भारत ने एफपीओ के माध्यम से पैन इंडिया में लॉन्च किया है। आज इसका डिमांड जबरदस्त होने लगा है, लोग इसको अप्रिशिएट करने लगे, लोग इसका डिमांड करने लगे। ये गो ग्रो है, गो ग्रो चारे की सारी फसल, गन्ना और नेपियर ग्रास, इसके लिए है। 1 लीटर पानी में 15 ml, 3 ml यानी कि 15 लीटर पानी में 45 ml, अगर आपको 1 एकड़ जमीन पे इसका छिड़काव करना हो तो आपको सिर्फ आधा लीटर लगता है। जहां पे आप यूरिया, सुफला और बाकी की चीजें, फर्टिलाइजर 5,000 से लेके 25,000 तक डालते हो, वहां पे आपका काम 3,500 से 5,000 में 6 बार के स्प्रेइंग का काम इसमें हो सकता है। और दूसरा प्रोडक्ट है गोटिलाइजर गोल्ड, ये एक चमत्कारी प्रोडक्ट है, दोनों का यूज सेम है, मगर ये प्रोडक्ट फल, सब्जी, फूल, किसी भी चीज में जहां पे प्रोडक्शन लेना उसके लिए, और इसके रिजल्ट तो इतने अमेजिंग आए कि लोग अब सामने से हमारे पास आ रहे हैं, हमको ऑर्डर दे। पहुंचेगा, बट दुनिया का मैंने बताया तो इसलिए बताया कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेरिका में अलग नाम से $100 प्रति लीटर में बिक रहा है। तो सोचिए भारत के लोगों के लिए कितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। एनपीके, आयरन, कैल्शियम, जो भी कुछ एक पौधों को लगता है वो सारा इसके अंदर है, और ये टोटली ऑर्गेनिक है। गाय के गौमूत्र और गोबर के स्लरी को एक्सट्रैक्ट करके, उसमें से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करके उसको नैनो टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया, और इसको छिड़कते ही ये आधे घंटे में अपना काम शुरू करता है, और 10 से 15 दिन में इसके रिजल्ट लोगों को दिखाई देते हैं। इसके बहुत सारे वीडियो है हमारे पास, कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, कुछ आपको भेजे जाएंगे, ये वीडियो आप लोग जरूर देखें। મારું નામ જોધાભાઈ ભગવાનભાઈ ચૌહાણ, ગામ તુકેત, તાલુકો માંડવી, જિલ્લો સુરત, મૂળ વતન મારું સૌરાષ્ટ્ર સોમનાથ. અત્યારે મારા બગીચાની અંદર આપણે બધા ઊભા છે, અને મારા બગીચાની અંદર ટોટલ 750 કેસર કેરીના ઝાડ છે. આ કેસર કેરીની અંદર અમે ગુલ્ટિલાઇઝર ગોલ્ડનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને તેનું રિઝલ્ટ જોયા પછી આ આંબાઓ એટલા બધા સરસ ખીલ્યા છે કે ખુશ થઈ જવાય, અને સાથે સાથે પ્રત્યેક આંબામાં એટલું સરસ મજાનું ફ્લાવરિંગ આવ્યું છે, અને ફ્લાવરિંગની સાથે સાથે આજના જમાનામાં 20મી સદીના કાળની અંદર લોકો પેસ્ટિસાઇડ્સ ખાઈ ખાઈ અને પોતાના સ્વાસ્થ્યને જે નુકસાન કરે છે, તેના કરતાં આ ઓર્ગેનિક ફાર્મ, ઓર્ગેનિક દવા છાંટી અને આંબો પણ હેલ્ધી રહે, અને તેનું જે ખોરાક છે, જે ફ્રૂટ છે, તેની શાઇનિંગ અને ખાવા માટે પણ હેલ્ધી રહે, આના માટે ગોટિલાઇઝર ગોલ્ડ ખરેખર સરસ રિઝલ્ટ આપે છે, અને તે રિઝલ્ટ અહીંયા રૂબરૂમાં આપણે જોવા મળે છે. ફૂલો કી માત્રા આપ દેખ સકતે હો, યે ચમત્કાર હૈ, ચમત્કાર.
ये है गौ लाइफ साइंसेस का प्रोडक्ट गोटिलाइजर गोल्ड। ये और एक वीडियो हम देखेंगे। नमस्कार, मी देवेंद्र गोविंद राऊत, नरपड, तालुका डहाणू, जिल्हा पालघर। मी एक शासनाचा पुरस्कार प्राप्त शेतकरी असून गेले 30 ते 35 वर्ष झाले मी शेती करतोय। निव्वळ शेती हाच माझा धंदा आहे। मी वयाच्या 28 वर्षापासून अगदी नोकरी सोडून स्वतःची शेती करण्यात सुरुवात केली आणि तेव्हापासून मी शेती करतोय। त्या काळापासून मला जे वेगवेगळे शेती करताना जे अनुभव आलेले आहेत ते मी आपल्याशी शेअर केलेले आहेत। आपण मला वाटते 2 तारखेला आणि 10 तारखेला केले, 12 तारखेला मिरची फवारणी केली होती। तर साधारण आपण 6 सरी 6 साडेसहा सरीमध्ये ते मारलं होतं आणि ते सेंटरच्या मध्येच घेतलं होतं। दोन्ही बाजूला केमिकल फवारण्या ज्या केलेल्या त्याच्यात आणि केमिकल फर्टिलायझर्स आणि हे आपलं गोटिलायझर ह्याच्यामध्ये ते ठेवलं होतं। तर त्याच्यामुळे अगदी त्याच्यात नेमका असा फरक आपल्याला जाणवतोय की जिथे गोटिलायझर वापरलं तिथे फुलाची आणि फुलाची संख्या जास्त वाढलेली दिसते आणि त्याच्यावर असलेला काही रोग आहे त्याला रोगप्रतिकारक शक्ती मिळाल्यामुळे तो सुद्धा कमी झालेला दिसतोय। परंतु जर शेतकऱ्याने कायम वापरलं पहिल्यापासून, पहिले जेव्हा आपण लागवड करतो तेव्हापासून, तर निश्चित चांगला त्याचा रिझल्ट मिळेल असं मला वाटते। हे गोटिलायझर गोल्ड म्हणून फर्टिलायझर आहे, हे लिक्विड आहे आणि हे मला त्याने सांगितल्याप्रमाणे मी फवारणी केली होती। त्यानंतर आमच्या बागेत ही चिकूची बाग आहे, चिकूच्या बागेमध्ये सुद्धा 7 तारखेला 7 फेब्रुवारीला आम्ही फवारणी केली होती। तर चिकू हे खूप म्हणजे मोठं झाड असल्यामुळे त्याला ताबडतोब तो रिझल्ट दिसत समजत नाही, तरीसुद्धा काही अंशी थोडा फरक आम्हाला दिसून आलेला आहे की जिथे फवारणी झाली होती त्या फाटक्यात किंवा त्या चिकूमध्ये त्याची साईज जी आहे ती थोडीशी मोठी झालेली जाणून येते आणि जे नवीन जे फळ बसते त्याचं फ्रूट सेटिंगसुद्धा जास्त झालेलं दिसतंय। तर निश्चितच ह्या गोटिलायझर फर्टिलायझरमुळे काहीतरी फरक जाणवल्यासारखं दिसतंय। स्वस्त तर बऱ्यापैकी स्वस्त आहे, त्याच्यापेक्षा आजही नैसर्गिक शेती किंवा ऑर्गॅनिक शेती ही काळाची गरज आहे। आज वेगवेगळ्या केमिकल्समुळे बऱ्याच लोकांना वेगवेगळ्या दुर्धर आजाराला सामोरं जावं लागतं, त्याच्यात जाणारा पैसा, वेळ आणि माणसाचं स्वास्थ्य ह्याच्याकडे बघता आज काळाची गरज आहे की जशी गोटिलायझर गोल्ड सारखी जी ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स आहेत ती वापरणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि आपल्याला ती काळाची गरज असल्यासारखी वाटते। तर प्रत्येक शेतकऱ्याने केमिकल फर्टिलायझर्स किंवा केमिकल स्प्रेईंगकडे, केमिकल औषधाकडे न जाता या ऑर्गॅनिक औषधाकडे वळणं खूप अत्यंत महत्त्वाचं आहे। ही आज आपल्या देशाला काळाची गरज झालेली आहे। सबसे पहले मैं फर्टिलाइजर के बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली हिंदी वीडियो इसमें अपलोड करने का रह गया है, वो हम आपको शेयर करेंगे। बट किसानों का अनुभव हमने आपको बताया और एक बात आप सब जानते हो, किसान कभी झूठ नहीं बोलता, वो जो सच होता है ना वही बोलता है और यही किसानों ने अपना अनुभव बताया है। ये दो दो वीडियो देखे और बहुत सारे वीडियो और है, वो किसान है, वो हमारे कंपनी के लोग नहीं है कि हमारी वाहवाही करेंगे। एंड दे आर रियली हैप्पी सेटिस्फाइड, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्शन मिल रहा है, टेस्ट, कलर, स्वाद सब कुछ बदल रहा है। तो मित्रों, गोटिलाइजर गोल्ड अपने आप में एक चमत्कार है, गो ग्रो चमत्कार है और इसका उपयोग अगर आप सिस्टमेटिकली करते हो, धूप के पहले करना है, 1 लीटर पानी में 3 ml करना है और 4 माइक्रोन से छोटे नोजल, मतलब एकदम फॉगी, एकदम धुआं करे इस तरह से स्प्रे करना है, जिससे कि ज्यादा एरिया कवरेज होगा और आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा, यूज भी ज्यादा होगा और इसके जो चमत्कारी रिजल्ट है मित्रों, एक एक गांव में 3 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का एनपीके बिकता है। कितना बिकता है? 3 करोड़ से 5 करोड़ का। एक एक तालुका में कई 100 करोड़ों का ये व्यवसाय है और इसमें अगर आप जुड़ते हो, हिस्सा बनते हो, आपको एक बहुत अच्छा परसेंटेज बेनिफिट मिलता है और उसके कारण आपके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, आपकी स्टार्टअप कंपनी, ये सबको करोड़ों रुपए की इनकम तो पहले साल से ही शुरू हो सकती है। करना क्या है? फील्ड पे जाना है, लोगों को बताना है, मीटिंग करना है, बाकी तो रिजल्ट ये प्रोडक्ट खुद बोलता है, ये इसकी खासियत है। अब आते हैं हमारे सेकंड बिजनेस पे, वो है एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। रोज आपको लगता है साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल से लेके मसाले से लेके
अनेक चीजें, चाय पाउडर, कॉफी, ये सब लगता है। इसे कहते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री, और एसएसके भारत एफएमसीजी इंडस्ट्री में भी आ रहा है। एसएसके भारत फैब, इसके माध्यम से एक वाटर फिल्टर ऑलमोस्ट रेडी है और अप्रैल महीने में ये लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हमारे तालुका एंटरप्रेनर को एक बहुत अच्छा मार्जिन रहेगा, हमारे साथ जुड़ने वाले रिटेलर को भी बहुत अच्छा मार्जिन रहेगा। और इसके अलावा आने वाले अप्रैल, मई, जून और जुलाई में वी आर कमिंग ऑफ विथ 25 to 30 प्रोडक्ट्स अपने, और भारत की अनेक स्टार्टअप कंपनियों का प्लेटफॉर्म भी एसएसके भारत बनने जा रहा है, हमारे युवाओं का आधार बनने जा रहा है, साथ देने जा रहा है, और उनके प्रोडक्ट भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मित्रों, अनेकों अनेक प्रोडक्ट हम लाने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जिसके कारण आपकी स्टार्टअप कंपनी में पहले साल, दूसरे साल में करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा, उसका लाखों रुपए का प्रॉफिट होगा, और आप सब इमीडिएटली जिस दिन कंपनी बनी पहले दिन से बिजनेस करना शुरू करोगे और पहले महीने से प्रॉफिट कमाना शुरू करोगे। ये है हमारा रोड मैप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थर्ड बिजनेस एक्टिविटी है कैटल फीड। भारत में पशु कितने हैं ये आप सबको पता है, और ये पशुओं के लिए आवश्यक पशु चारा ये बहुत महत्वपूर्ण है। एसएसके भारत हर स्टार्टअप कंपनी के अंतर्गत एक कैटल फीड प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने वाली है, जिसका कैटल फीड मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे उसी तालुका में जाए और जहां जहां पॉसिबल हो वहां सप्लाई हो। तो ये हमारा एसएसके भारत स्टार्टअप के अंदर का एक प्रोजेक्ट यानी कि प्रोडक्शन यूनिट बनने जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकेंड है डेयरी। मित्रों, भारत में आज जर्सी का जमाना है, पूरी दुनिया में जर्सी का जमाना है, मगर जर्सी का दूध बोलना नहीं चाहिए मगर जहर है, उससे ही बीमारियों की जड़ है। और हमारी देसी गाया जो कि सचमुच में गौटिलाइजर गोल्ड और गोग्रो को भी मैं फर्टिलाइजर या दवाई नहीं बोलता, मैं उसे गौ माता का आशीर्वाद बोलता हूँ, ये वरदान है वरदान। उसी तरह से इस वरदान को घर घर में पहुंचाना, हमारे बच्चों को हम दूध देते हैं दूध के रूप में, अनफॉर्चुनेटली हम मिलावट वाला दूध देते हैं, कभी कभी तो जहर देते दूध के रूप में, तो ये क्या कर रहे हैं हम। तो हमने एक निर्णय किया है, हर स्टार्टअप कंपनी के अंतर्गत देसी गाय की एक डेयरी, जो आमतौर पे गिर गाय होगी बट डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट साहीवाल है और बाकी जो भारतीय प्रजाति है उसकी डेयरी बनाई जाएगी। बट हम ये भी जानते हैं कि दूध के डेयरी में से सफिशियंट प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसलिए दूध हमारा कोर प्रोडक्ट नहीं है, हमारा कोर प्रोडक्ट है दूध का दही, लस्सी, पनीर, मावा, घी, और उसके अलावा फ्लेवर्ड मिल्क, इसकी कोल्ड चेन की गाड़ी ये भी हमारी होगी और इसको बेचने की दुकान भी हमारी होगी। इसी दूध से, देसी गाय के दूध से गिर गाय की आइसक्रीम, गिर गाय के दूध की आइसक्रीम ये हम बनाने जा रहे हैं और इसकी दुकान भी हमारी होगी। इनके गोबर से अब पेंट बनता है, प्राकृतिक पेंट, वैदिक पेंट हम बनाने जा रहे हैं, और ये सारी चीजें करके हर तालुका के स्टार्टअप के अंदर हम एक देसी गाय की डेयरी बनाने जा रहे हैं। ये अगर अच्छी बात लगती है तो थम्स अप बढ़ने चाहिए, दिखने चाहिए कि यस यू लाइक इट, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इट्स कमिंग, थैंक यू वेरी मच। नाउ नेक्स्ट है बायोकोल इंडस्ट्री। भारत देश में थर्मल पावर प्लांट में 70% बायोकोल यूज होता है, फैक्ट्रियों में यूज होता है, और इसकी आवश्यकता बहुत बड़े पैमाने में है। इसके लिए हम जमीन को खोदते हैं और जमीन में खड्डे करते हैं, जंगल के जंगल तबाह होते हैं, जब कोयला जलता है प्रदूषण होता है, CO2 जो वातावरण में जाता है उससे तबाही आती है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है, अनेक समस्या होती है, दुनिया से हमको कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, इसका आप सॉल्यूशन है बायोकोल। 8 mm बायोकोल, बायोकोल ब्रिकेट है, पैलेट है, बायोकोल में और भी चीजें हैं, ये सारी बनाने की यूनिट हम हर स्टार्टअप कंपनी के अंदर लगाने जा रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत अनोखा प्रोजेक्ट है जो हमने ऑलरेडी किया है, हम सबको पता है, और इसको अभी एक अलग लेवल पे हम लेके जा रहे हैं, और ये बायोकोल के प्रोजेक्ट हर स्टार्टअप कंपनी में हमको लगाने हैं। इसके बाद बायो CNG, मगर बायो CNG एक कम से कम 30 करोड़ से लेके 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसलिए इसको हम 2 से 5 साल के बीच में करेंगे, मगर करेंगे ये पक्का है। मगर उसके पहले एक लेआउट में हम लोग, जिसमें कैटल फीड आएगा, डेयरी आएगी, बायोकोल आएगा,
ये एक एसएसके भारत इंडस्ट्रियल सेंटर या बिजनेस एंड इंडस्ट्री पार्क इस नाम से हम बनाने जा रहे हैं, और इसके पहले प्रोजेक्ट की नींव बहुत जल्दी हम आपको खुशखबरी देंगे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में रख दी जाएगी, आप सबको उसका न्योता भी दिया जाएगा, और बहुत जल्दी ये खुशखबरी मैं आपको बताऊंगा मित्रों, बहुत कम दिन में आपको ये कुछ गुड न्यूज मिलेगा, और इस यूनिट को बिफोर दिवाली हम स्टार्ट कर देंगे, प्रोडक्शन में लेके आएंगे, ये हमारा लक्ष्य है मित्रों। और सीबीजी में भी हमको आगे जाना है, समय के साथ जाएंगे, फंड रेजिंग करते हुए बिजनेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके स्टार्टअप का जो जर्नी होगा वहां पे आप स्टार्ट करोगे बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बीज और उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसके बाद एफएमसीजी प्रोडक्ट, कैटल फीड की फैक्ट्री, आपकी डेयरी इंडस्ट्री, बायोकॉल की फैक्ट्री और सीबीजी फैक्ट्री। इसके अलावा उस जगह की आवश्यकता के अनुसार हमने ऐसे ऐसी चीजें ढूंढ के रखी है, 50 लाख में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंटेनर में होता है, आप कहीं भी ले जा सकते हो, जहां पे फ्रूट मिल रहा है ना वहीं पे उसका पल्प बना के उसको भर के पैक कर सकते हो, जो 18 महीने चलता है। इस तरह की चीजें हमने ढूंढ के रखी है मित्रों, वो हम शुरू करेंगे। कंपोस्टेबल प्लास्टिक का बिजनेस, पेपर प्लेट, मगर उसका केमिकल नहीं होना चाहिए, और उस जगह की उस स्थान की आवश्यकता के अनुसार जो कर सकते हैं वो सारे बिजनेस हम इन स्टार्टअप के अंदर करेंगे, और इन कंपनियों को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। डिपेंड अपॉन द एरियाज, कंफर्टेबल प्लास्टिक, पेपर प्लेट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड अदर पॉसिबल बिजनेसेस सुटेबल फॉर दैट तालुका विल बी सेट बाय एसएसके भारत स्टार्टअप, यानी आपकी अपनी कंपनी जिसका आप एक हिस्सा हो, आप उसके नेतृत्व करने वाले हो, और आपके कारण उस जगह के तालुका के रीजन के परिसर के हजारों लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, ये कितना अच्छा होगा, कितना संतोषकारक होगा, मेरा देश पिछले सुजलाम सुफलाम होगा, आत्मनिर्भर होगा और आगे बढ़ेगा। एसएसके भारत सेल सर्विस एंड सप्लाई सेंटर एसएससी, एसएसके भारत एसएससी, हर ग्राम पंचायत लेवल पे हम एक एंटरप्रेनर को अपॉइंट करेंगे, हर गांव के लेवल पे, ग्राम पंचायत नहीं, हर गांव के लेवल पे हम एक एंटरप्रेनर को अपॉइंट करेंगे जो 50,000 से 5 लाख रुपए का निवेश डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट करेगा, मगर एक भी पैसा वो किसी कारण से नहीं देगा, जो पैसा देगा उसका उसको इमीडिएटली प्रोडक्ट मिलेगा, और पहले दिन से वो बिजनेस शुरू करेगा, बिजनेसमैन बनेगा, धीरे 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 वो बिजनेस सीखेगा, धीरे 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 आप बिजनेस सीखोगे, बिल कैसे बनता है, इनवॉइस कैसे बनते हैं, ई वे बिल क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे चेक करना है, लोगों को कैसे वॉच करना है, किस तरह से ध्यान देना है, अगर ये सब सीखोगे तब तो बिजनेस संभालोगे, अगर ये पता ही नहीं होगा और फैक्ट्री मिल गई तो कैसे संभालोगे। तो ये बिजनेस में इनकम भी होगी, ग्रोथ भी होगा, टर्नओवर भी होगा, और आप सबकी ट्रेनिंग भी होगी। तो इस तरह से हर गांव के लेवल पे हमको एक एसएसके भारत एसएससी का नियुक्ति करनी है, जो मिनिमम 50,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू करेगा, धीरे धीरे करके उसके पास 5 लाख की क्षमता होनी चाहिए, 15,000 से लेके उसकी मेहनत के आधार पे उसके गांव में कितनी संख्या है उसके आधार पे वो 5 लाख रुपया महीना भी कमाएगा। वो सिर्फ हमारा माल बेचेगा नहीं, उस गांव में क्या बन रहा है वो भी हम लेके उसको भी मार्केट दिलाएंगे, उसमें भी उनको इनकम होगी, उनके माध्यम से कुछ ना कुछ गांव का विकास होगा, गांव के लोगों को मदद होगी, भला होगा, रोजगार मिलेगा। एसएससी इज नॉट सेकेंडरी स्कूल, इट इज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे कैटल हमारे पास बायोकोल इंडस्ट्री में हम चूल्हे ला रहे हैं, बायो स्टोव, वो बायो स्टोव कुकिंग इंडस्ट्री को रिप्लेस करेगा, उसके लिए पैलेट बिकेगी, एफएमसीजी प्रोडक्ट बिकेंगे, फर्टिलाइजर बिकेंगे, मुझे बताइए ये कौन से गांव की जरूरत नहीं है, और अगर हम ये देंगे तो बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो इनकम होगी, और सबके जीवन खुशहाल होंगे, ये हम करने जा रहे हैं हमारे स्टार्टअप के साथ, हमारे एसएससी के साथ, एसएसके भारत स्टार्टअप ग्राम मित्र। कोई भी युवा, कोई भी हमारी आशाताई वर्कर, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो शायद एसएससी भी ना बनना चाहे, स्टार्टअप भी ना बनना चाहे, वो हमारे उस गांव के ग्राम मित्र बन सकते हैं, वो जो ऑर्डर लाके देंगे उसके ऊपर आजीवन उनको कुछ ना कुछ इनकम होगी, जो हम स्पेसिफाई करेंगे और रिटर्न में देंगे। ये जो कुछ कमिटमेंट हम आपको दे रहे हैं सारे राइटिंग में मिलेंगे, पहले दिन से मिलेंगे, तब जाके हम आपके साथ काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
इस तरह से नहीं कि बाद में देंगे फिर देंगे फिर देंगे ये करेंगे, सब कुछ पहले दिन से लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, उसे बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का मतलब होता है विश्वास, बिजनेस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस का मतलब होता है इथिक्स, बिजनेस का मतलब होता है ग्रोथ, एक्सपांशन एंड बिकम अ सुपर जायंट। ये हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे ग्राम मित्र के रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस को बढ़ाना, प्रमोट करना, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, और डिपेंड अपॉन इस वर्क हर महीने वो 5,000 से 2,00,000 रुपए तक की आमदनी पा सकता है, और ये हम करके दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं सिर्फ। जो अपॉर्चुनिटी पहले मैं कहता था मगर मैं कर नहीं पाया, वो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा मित्रों, और साबित करके दिखाऊंगा कि जो हम कहते थे वो पॉसिबल था, पॉसिबल है, और ये होता है। दिस इज गोइंग टू बी डन बाय SSK भारत स्टार्टअप। नेक्स्ट प्लीज। ये रिमार्केबल अचीवमेंट है, आपके तालुका के स्टार्टअप कंपनी के प्रोडक्ट भारत में नहीं दिस्तो, पूरी दुनिया में जाएंगे, क्योंकि एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर चेयर पर्सन ऑफ SSK भारत ग्रुप इज अपॉइंटेड एज ट्रेड कमिश्नर फॉर एंटायर यूरेशिया रीजन। यस, ये वीडियो देखेंगे हम इनके अपॉइंटमेंट का, प्लीज प्ले द वीडियो। Very good evening to all the people present here for this International Day of Education Conference, Strengthening Bilateral Investment Partnership. And I want to welcome the excellencies in Mumbai, and I want to congratulate our Trade Commissioner of Eurasia, so Mr. Upadhyay. Thank you so much, sir, and we look forward to your continued engagement and enormous possibility to expand such trade and engagements between Maharashtra state, your offices in Mumbai, and the embassies in Delhi for delegations, for any trade inquiries, for any kind of support that you might be needed from the Ministry of Commerce in the Government of India and the External Affairs, and of course the embassies that are present. And the ambassadors are here. It is a great sign and a testimony to the fact that they are inviting Indian businesses to these countries for more and more business development and prospects. And finally, I want to thank all of you for being here this evening. And I would like to welcome the Trade Commissioner to receive your in a certificate of appointment in the hands of our chief guest today. And please, you can come and, can we have the... All right, guys, give him a big round of applause. Dr. Asif Iqbal, along with the entire dignitaries, presenting Advocate Shyam Shankar Upadhyay, the award and the certificate of Trade Commissioner of the two bilateral countries. Many, many congratulations to Honorable Mr. Shyam Shankar Upadhyay for being Trade Commissioner of Eurasia, Maharashtra. On this auspicious occasion, it's time now to launch our product in front of all the dignitaries and all the guests present here. So let us call upon Mr. Karthik Rawal on stage, along with them, all the dignitaries and Dr. Chetan to please give us a wonderful view of our new product which you're launching today in front of everyone out here. So everybody, join your hands together for unveiling our new product from Bigao Life Sciences by opening the curtain raiser on stage. Come on, guys, I would request everybody give a big round of applause. As this is an auspicious moment present here, we are unveiling our new product from Gov Life Sciences. Mitro, is program mein Guatemala aur Paraguay ke ambassadors maujood the. Unke presence mein ITO ke president maujood the. और इनके प्रेजेंस में ये पूरा प्रोग्राम हुआ है। ये अपॉर्चुनिटी आज हमारे ग्रुप के पास है कि हम हमारे प्रोडक्ट स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में पहुंचा सकते। ये है ऊपर वाले का करिश्मा, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद, ये है एक नई शुरुआत SSK भारत स्टार्टअप के साथ। नेक्स्ट प्लीज। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, यूनिकॉर्न कॉन्सेप्ट। 7,500 करोड़ की कंपनी, $10 बिलियन की कंपनी, मतलब यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाती है। बट हम यूनिकॉर्न नहीं है, हम ड्रैगन नहीं है, हम तो लायन है। लायन
तो हमने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है लायन कॉप ऑर्गेनाइजेशन, अ कंपनी विद अ वैल्यूएशन ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस, और मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 साल में एसएस के भारत स्टार्टअप कंपनियां 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन को पहुंचे, और इसके लिए तन मन धन तोड़ के हम काम करेंगे, मिलके काम करेंगे और ये करके दिखाएंगे मित्रों, ये आपके लिए हम अपॉर्चुनिटी लाए। नेक्स्ट प्लीज। भारत का रिचेस्ट इतिहास, जो हमारा भूतकाल था, इसे हमें फिर से लाना है। नेक्स्ट। ये है भारत के स्टार्टअप्स, भविष्य के। हमने दुनिया को बिजनेस सिखाया है, हमें बिजनेस सिखाने की क्षमता किसी की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी क्षमताओं को भूल गए, अपनी ताकत को भूल गए, अपने ज्ञान को भूल गए। किनके वंशज है हम, किनका नॉलेज है हमारे पास। रिवोल्यूशन इज इन अवर ब्लड, बिजनेस इज इन अवर ब्लड, हम करके दिखाएंगे बिजनेस दुनिया को। नेक्स्ट प्लीज। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और भगवान श्री कृष्ण, इन सबको आदर्श मानने वाला देश, इनको आदर्श मानने वाले लोग, ये कभी पराजित नहीं होती है, ये हमेशा विजयी होते हैं, और हम सब मिलके एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवंतु। धन्यवाद, थैंक यू। आपको इस विषय में और कुछ जानना समझना हो तो जिन्होंने आपको इसमें आमंत्रित किया है उनका आप कांटेक्ट करें और इस विषय को जाने समझे। कोई डाउट हो गए तो हम क्लियर करेंगे। क्योंकि ये पहला प्रेजेंटेशन था तो मैंने ये सोचा कि हमारे पास तो 150 योद्धा है, एक से एक लीडर है, मगर मैंने सोचा पहला प्रेजेंटेशन मैं खुद लूंगा और आप लोगों को ये बात बताऊंगा। ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, हम हजारों कंपनियां बुक नहीं करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बुक ओनली 51 स्टार्टअप एज ऑफ नाउ। जब हम उनको राह दिखा देंगे, आगे लेके चलेंगे, तब हम आगे के स्टार्टअप बुक करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आज सिर्फ 51 लोगों के पास है और एज ऑफ नाउ भारत से 15 लोगों के कमिटमेंट हमको मिल चुके हैं, जो फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में पेमेंट करने जा रहे हैं। तो आप लोग सीरियसली अगर सोच रहे हो तो अच्छे से जानिए, समझिए, और उसके बाद अच्छा लगे तो इसमें आगे बढ़िए, साथ में मिलके कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, देश को फिर विश्व गुरु बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और फिर से एक बार शुभम भवंतु। थैंक यू।